AP3 ज्योग्राफिक चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम लोग अध्याय 7 भू आकृतियाँ तथा उनका विकास के बारे में अध्ययन करते हैं। आइए देखते हैं, सबसे पहले हम लोग इसके परिचय में देखेंगे कि भूपटल पर परिवर्तनकारी बलों के क्रियाकलाप सदैव चलते रहते हैं। भू आकृतिक कारक भूपटल पर विभिन्न आकृतियां उकेरने और भूतल को परिवर्तित करने में लगे रहते हैं। अपरदन, अपक्षय, वहन और निक्षेपण क्रियाओं के माध्यम से पृथ्वी का स्वरूप संभालते बिगाड़ते रहते हैं। और इस प्रकार से भू आकृतिक प्रक्रियाएं धरातल पर ऊंची नीची स्थलाकृतियों का निर्माण करती हैं, जबकि तल संतुलनकारी उसे समतल बनाने में जुटी रहती है। धरातल की तोड़फोड़ अथवा रूप परिवर्तन का कार्य समूह में अनाच्छादन डेनुडेशन कहा जाता है। स्थिर बाह्य परिवर्तनकारी शक्तियों द्वारा किया जाने वाला सेलों का विखंड, अपक्षय, वेदरिंग, जबकि गतिशील बाह्य शक्तियों द्वारा सेलों का नग्नीकरण या अनावृत्तीकरण अनाच्छादन कहलाता है। और इस प्रकार से भू आकृति से आशय छोटे या मध्यम आकार के भूखंडों से लगाया जाता है कि पृथ्वी के छोटे से लेकर मध्यम आकार के स्थल खंड भू आकृति कहलाते हैं, जबकि एक विशाल क्षेत्र में फैली हुई विविध स्थल खंडों का नज़ारा भू दृश्य कहलाता है। और इस प्रकार से आगे हम लोग देखेंगे कि बहुत सी भू आकृतियाँ मिलकर भू दृश्य की रचना करती हैं। एक भू आकृति के निर्माण में लंबा समय लगता है। एक बार पूरी तरह से बन जाने पर भी भू आकृतियों के आकार, आकृति और प्रकृति में परिवर्तन होता रहता है। आगे हम लोग देखेंगे जलवायु परिवर्तन, ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज संचलन एवं भू आकृतियों की गहनता इनके स्वरूप को बदल देते हैं। एक स्थलाकृति युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था तीन प्रक्रियाओं से गुजरती है। इतिहास साक्ष्य है कि भू आकृतिक कारक लंबे समय तक कार्य करते हुए क्रमबद्ध परिवर्तन लाते हैं। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भू आकृतिक कारक स्थल रूपों के समूह का निर्माण करते हैं, जिससे अपरदित और निक्षेपित दो प्रकार उभरते हैं। अधिकतर भू आकृतिक प्रक्रियाएं अपना बोध ही नहीं कराती, जबकि कुछ प्रक्रियाएं देखी जा सकती। आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखेंगे भू आकृतिक कारक इकोमॉर्फिक फैक्टर्स। आइए देखते हैं, भू आकृतिक कारक अपरदन एवं निक्षेपण में सक्षम होते हैं। इनके अंतर्गत निम्न स्वतंत्र कारक कार्यरत होते हैं, जिसमें पहला है समुद्र तल का स्थायित्व, दूसरा है भूतल का विवर्तनिक स्वरूप और तीसरा है जलवायु, जो सभी स्वरूपों के विकास को प्रभावित करती है। आगे चलते हैं हम लोग और आगे देखेंगे भू आकृतिक कारक अपना कार्य निम्न अभिकर्ताओं, एजेंट के माध्यम से पूरा करते हैं, जिसमें पहला है प्रवाहित जल, दूसरा है भौम जल और तीसरा है हिमनद, चौथा है पवन, पांचवा है तरंग।
और इस प्रकार से इन्हीं साधनों के द्वारा भूतलीय अपरदन प्रभावित होता है तथा अपरदित और निक्षेपित स्थल रूपों का विकास होता चलते है। आगे हम लोग देखेंगे प्रवाहित जल। अर्धशुष्क जलवायु एवं अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में प्रवाहित जल सशक्त भू आकृतिक कारक बन जाता है। प्रवाहित जल धरातल के निम्नीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह धरातल पर परत के रूप में फैलकर तथा रैखिक प्रवाह द्वारा अपना कार्य संपन्न कराता है। जल घाटियों में नदियों के रूप में बहता है तथा ढाल के साथ अपरदन का कार्य करता है। तीव्र ढाल के साथ यह अपरदन करता है जबकि मंद ढाल के साथ यह निक्षेपण करता है और इस प्रकार से नदियों के तटों और पार्श्व पर अपरदन अधिक होता है। और इस प्रकार से आगे चलते हैं कि इसके कारण ही पहाड़ियाँ और घाटियाँ संपूर्ण निम्नीकरण की प्रक्रिया से गुजरकर मैदान बन जाती हैं। प्रवाहित जल की तीन अवस्थाएं होती हैं, आइए देखते हैं, जिसमें पहली अवस्था है युवावस्था, जिसको यूथफुल स्टेज कहते हैं। दूसरा है प्रौढ़ावस्था, जिसको मैच्योर स्टेज कहते हैं। और तीसरा है वृद्धावस्था, जिसको ओल्ड स्टेज कहते हैं। आइए देखते हैं, पहली स्टेज युवावस्था या कह लीजिए यूथफुल स्टेज। आइए देखते हैं, नदी की यह उद्गम अवस्था होती है जिसमें वह वी आकार की घाटी में बहती है। इसमें बाढ़ के सकरे मैदान पाए जाते हैं। नदी के मार्ग में झीलें और दलदल पाए जाते हैं। ऊंचे समतल धरातल पर नदी विसर्प विकसित हो जाते हैं। कठोर शैलों के क्षेत्रों में जलप्रपात व छिप्रिकाएँ भी बन जाते हैं। ये मानचित्र है जलप्रपात का, जिसको इसमें दिखाया गया है कि पानी ऊपर से गिर रहा है, कठोर चट्टाने हैं जो नीचे नहीं काट पाई हैं और उसके बाद मुलायम चट्टानों को इसका प्रवाह वेग तुरंत काट देता है और इस तरह से पानी जलप्रपात के माध्यम से बहने लगता है। आगे देखेंगे प्रौढ़ावस्था। आइए देखते हैं, प्रौढ़ावस्था यानी मैच्योर स्टेज, आइए इसे समझते हैं। इस अवस्था में नदी की विशाल जलराशि वी आकार की घाटी में बहती है जो गहरी होती है। नदी जैसे जैसे प्रभावी और विशाल बनती है, बाढ़ के मैदानों को जन्म देती है। नदी अपनी घाटी में नदी विसर्प बनाकर बहती है। इस क्षेत्र में दलदल, जलप्रपात तथा छिप्रिकाएँ समाप्त हो जाती हैं। और इस प्रकार से आगे चलते हैं, आगे है वृद्धावस्था, जिसे ओल्ड स्टेज भी कहते हैं। आइए देखते हैं, वृद्धावस्था में नदी का ढाल और गति मंद हो जाती है। वह विस्तृत बाढ़ के मैदानों से होकर नदी विसर्प, प्राकृतिक तटबंध तथा गोखुर की झील बनाती है और इस प्रकार से नदी के विभाजक विशाल और समतल होने से दलदल और झीलें बन जाती हैं। इन सभी का स्तर सागर तल के बराबर या थोड़ा ऊंचा। इस प्रकार से आगे चलते हैं हम लोग, आगे देखेंगे अपरदित स्थल रूप। और अपरदित स्थल रूप में पहला पॉइंट है घाटियाँ या बैली। आइए देखते हैं, घाटियाँ प्रारंभ में छोटी और सकरी होती हैं जो धीरे धीरे विस्तृत होती चली जाती हैं। प्रारंभ में वी आकार की घाटी बनती है जो चौड़ी और गहरी होकर गार्ज या कंदरा का रूप धारण कर लेती है।
कंद्रा कैनियन खड़े किनारों वाली तथा गार्ज से अधिक गहरी होती है। इसका ऊपरी भाग तल की अपेक्षा अधिक चौड़ा होता है। इसका निर्माण प्रायः कठोर शैलों के क्षेत्रों में होता है और इस प्रकार से ये वी आकार की घाटी का मानचित्र है। आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखेंगे जलगर्तिका। जलगर्तिका तथा आवनमित कुंड इस प्रकार है। पर्वतीय क्षेत्रों में नदी के गहरे तल में शैलों के छोटे छोटे टुकड़े फंसकर वृत्ताकार चक्कर लगाते हैं, जिन्हें जलगर्तिका कहा जाता है। गहरे गत्तों या जलप्रपातों के गहरे एवं बड़े तल के गत्तों में शिलाखंड वृत्ताकार घूमने लगते हैं, जिन्हें आवनमित कुंड कहा जाता है। नेक्स्ट है अधाकर्तित विसर्प या गंभीरी भूत विसर्प। आइए देखते हैं, नदी तीव्र ढालों से बहती हुई पार्श्व क्षेत्रों में अधिक अपरदन करती है। वह मंद गति से बहकर क्षैतिज अपरदन अधिक करती है और इस प्रकार से इस अवस्था में नदी टेढ़ी मेढ़ी बहकर नदी विसर्प या गंभीर भूत विसर्प बनाती है। नदी की मंद गति के कारण विसर्प लूप में बदल जाते हैं, जिसमें जल भर जाने से जलगर्त तथा कठोर शैलों के भागों में गार्ज या कैनियन बन जाते हैं। बाढ़ के मैदानों में नदी विसर्प कम वक्राकार होते हैं, जबकि डेल्टाई मैदानों में ये लूप के आकार में वक्राकार। हम लोग देखेंगे नदी वेदिकाएं या रिपर टेरेसेज। आइए देखते हैं, बाढ़ के मैदानों अथवा पुरानी नदी घाटियों के तलचिन्ह ही नदी वेदिकाएं कहलाते हैं। ये मूल रूप में अपरदित स्थल स्वरूप हैं, जिनका निर्माण अपरदन के कारण लंबवत रूप में होता है और इस प्रकार से नदी वेदिकाएं नदी के किनारों पर समान ऊंचाई पर बनती हैं। यह स्वरूप युग्म वेदिकाएं कहलाता है। दूसरे छोर पर वेदिकाओं के ना होने पर इन्हें अयुग्मित वेदिकाएं कहते हैं। वेदिकाओं के निर्माण में निम्न कारक सहायक होते हैं, जो इस प्रकार है, जिसमें पहला है जल प्रवाह का कम होना, नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन के कारण जलीय क्षेत्र बदल जाना, नेक्स्ट है विवर्तनिक कारणों से भूमि का ऊंचा उठ जाना और अगला पॉइंट है नदी के तट के निकट होने से समुद्र के तल में परिवर्तन। आइए देखते हैं ये युग्मित वेदिकाएं हैं और उसके नीचे अयुग्मित वेदिकाएं हैं, दोनों का। आगे चलते हैं हम लोग, आगे देखेंगे निक्षेपित स्थल रूप। आइए देखते हैं, जिसमें पहला बिंदु है जलोढ़ पंख, जिसको अलोवियल फाइंस कहते हैं। आइए देखते हैं, ऊंचे स्थान तथा तीव्र ढाल से बहकर आने वाली नदी जैसे ही मैदान में प्रवेश करती है जलोढ़ पंख का निर्माण हो जाता है और इस प्रकार से नदी पर्वतीय क्षेत्र से जिन भारी तथा स्थूल पदार्थों का वहन करके लाती है उनके निक्षेपण से बनने वाली आकृति ही जलोढ़ पंख या अलोवियल फैंस कही जाती है। इस प्रकार से जलोढ़ पंख से होकर बहने वाली नदी का जल कई शाखाओं में बट जाता है, जिन्हें जल वितरिकाएं कहते हैं, डेल्टा। आइए देखते हैं, नदी अपने द्वारा बहाकर लाए गए पदार्थों से सागर तट पर निक्षेप द्वारा
जो त्रिभुजाकार आकृति का निर्माण करती है उसे डेल्टा कहते हैं। डेल्टा का निक्षेप व्यवस्थित होता है, अर्थात मोटे पदार्थ तट के निकट तथा चीका मिट्टी और गाद सागर से दूर निक्षेपित होते हैं। और आगे देखेंगे कि डेल्टा का आकार बढ़ने के साथ नदी वितरिकाओं की लंबाई बढ़ जाती है। ये डेल्टा का मानचित्र है, आप देख रहे हैं भूमध्य सागर है और काहिरा है, और ये जो नदी है ये नील नदी है, और ये नील नदी का डेल्टा बनाया गया है। हम लोग ठीक आगे हम लोग देखेंगे बाढ़ मैदान, प्राकृतिक तटबंध तथा विसर्पी रोधिका। आइए देखते हैं, नदी के अपरदन से बने समतल भूभाग बाढ़ के मैदान कहलाते हैं। मैदान तटों के ऊपर दो प्रकार के निक्षेपों से बनते हैं, जिन्हें बाढ़ निक्षेप तथा सरिता निक्षेप कहा जाता है। मैदानी भागों में प्रायः नदियां क्षैतिज दिशा में अपना मार्ग बदलती हैं। ये मैदान बाढ़ का पानी फैलने से जमाव बाढ़ का पानी फैलने के जमाव से बनती हैं। डेल्टाओं में बने मैदान डेल्टा मैदान कहलाते हैं। ये बाढ़कृत मैदान है, ये विसर्पी रोधिकाएँ हैं, इधर प्राकृतिक तटबंध आप देख रहे हैं ठीक, और ये जो मानचित्र पूरा है प्राकृतिक तटबंध एवं विसर्पी रोधिकाओं का चित्रण है। आगे चलते हैं हम लोग, और इस प्रकार से प्राकृतिक तटबंध जो बाढ़ के मैदानों से संबंधित है नदियों के किनारों पर बनते हैं। प्राकृतिक तटबंध नदी के साथ ऊंचे और नदी से दूर मंद ढाल वाले होते हैं। नदी क्षैतिज दशा में मार्ग परिवर्तन करने में तटबंध बनाते हैं। आगे चलते हैं हम लोग, आगे देखेंगे नदी रोधिकाओं को विसर्पी रोधिकाओं के नाम से जाना जाता है। विसर्पी रोधिकाएं बड़ी नदी के उत्तल ढालों पर बनती है। इनका निर्माण रोधिकाओं द्वारा प्रवाहित जल के द्वारा लाए गए तलछटों के निक्षेपण से हम लोग देखेंगे नदी विसर्प या मियांडर्स। आइए देखते हैं, बाढ़ एवं डेल्टाई मैदानों के क्षेत्रों में नदियों में लोप जैसे विकसित चैनल विसर्प या मियांडर्स कहलाते हैं। आगे हम लोग देखेंगे ये जो मानचित्र आप देख रहे हैं, ये विसर्प वृद्धि एवं क्षरण लूप तथा स्कंद ढाल एवं अधोरदित तट है। ये नदी विसर्प है ठीक, तो जब नदियाँ पहाड़ी क्षेत्रों से मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती हैं तो उनका प्रवाह वेग मंद हो जाता है, और इस प्रकार से जिधर ढाल पाती हैं उधर वो टर्न ले लेती हैं तो उनका आकार काफ़ी मुड़ा हुआ बनता जाता है, जिससे कहीं कहीं पे छाड़न झील बन जाता है। छाड़न झील या इसे गोखुर झील भी कह सकते हैं। आगे चलते हैं हम लोग, आगे देखेंगे कि इसके निर्माण के लिए निम्नलिखित कारण उत्तरदायी होते हैं। इसमें पहला है मंद ढाल पर बहते जल में तटों पर क्षैतिज पार्श्विक कटाव, दूसरा है तटों पर जलोढ़ का अनियमित एवं असंगठित जमाव, तीसरा है प्रवाहित जल का कोरियालिस प्रभाव से विक्षेपण। और इस प्रकार से धीरे धीरे विसर्प गहरे छल्लों के रूप में विकसित होकर आंतरिक भागों में अपरदन की क्रियाओं से जलयुक्त पृथक होकर धनुषाकार झील या आक्सबो लेक बन जाएंगे। गुम्फित नदी, नदी के मध्य में अवसादों के निक्षेपण से नदी की धारा दो भागों में बट जाती है। नदी की घाटी चौड़ी होने पर निक्षेप नदी द्वीप के रूप में दिखाई पड़ती है,
और इस प्रकार से नदी की धारा कई भागों में बट जाने की स्थिति में नदी को गुम्फित नदी या कह लीजिए ब्रेडेड चैनल्स कहा जाता है। धीरे धीरे जल वितरिकाएँ मिलकर गुम्फित रूप धारण कर लेती हैं और ये आप देख रहे हैं, ये दाईं ओर गंडक नदी तथा बाईं ओर सोन नदी की गुम्फित प्रणाली खंड दर्शाने वाला उपग्रही चित्र है, जो इसमें तीर के चिन्ह नदी प्रवाह की दिशा प्रकट करते हैं। आगे चलते हैं हम लोग और आगे देखेंगे भौम जल, जिसे ग्राउंड वाटर कहते हैं। आइए देखते हैं, भूगर्भ में कठोर शैलों में एकत्रित जलराशि भौम जल कहलाती है, जो भूगर्भ में अपरदन के महत्वपूर्ण कारक की भूमिका निभाता है। जल भूगर्भ में लंबवत गहराई पर पहुंचकर शैलों की संधियों, छिद्रों, संतरण तल से होकर क्षैतिज रूप में बहता है और शैलों के अपरदन में जुट जाता है। इसका यह कार्य चूना या डोलोमाइट, जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट की अधिकता होती है, और इस प्रकार से घोलीकरण तथा अवक्षेपण से क्रियाएं करता है। इसके द्वारा चूना पत्थर के क्षेत्रों में विविध स्थलाकृतियों का उदय होता है और इस प्रकार से यह पूरा क्षेत्र कार्स्ट स्थलाकृति या कार्स्ट टोपोग्राफी के नाम से पुकारा जाता है। और ये जो आप चित्र देख रहे हैं, ये आप देखिए, ये बिलियन रंध्र का है, ठीक, ये बिलियन रंध्र, ये घोल रंध्र, ठीक, ये गुफा है, ये घोल रंध्र है और ये युवाला का मानचित्र है, ये गुफा मुख है और ये स्टेलेगमाइट है और ये स्टेलेक्टाइट का मानचित्र है और दोनों बढ़ते बढ़ते जब जुड़ जाते हैं तो उसको कैपिलर कह लीजिए या स्तंभ कहा जाता है, ठीक। आगे चल आगे देखेंगे हम लोग भौम जल के अपरदित स्थल रूप, आइए देखते हैं, जिसमें कुंड, घोल रंध्र, लैपिज और चूना पत्थर चबूतरे के बारे में बताया गया। आइए देखते हैं, चूना पत्थर वाली शैलों के क्षेत्र में जिन छोटे घोल गर्तों का निर्माण होता है उन्हें विलयन या स्वालो होल्स कहते हैं। ये कास्ट क्षेत्रों में बहुतायत से मिलते हैं। ये विशाल आकार वाले तथा गहरे तल के होते हैं। घोल रंध्रों के नीचे बनी कंदराओं की छत ध्वस्त हो जाने पर निपात रंध्र या कोलैप्स सिंक रह जाते हैं, जिन्हें डोलाइन भी कहते हैं। और इस प्रकार से आगे हम लोग देखेंगे कि डोलाइन तथा घोल रंध्र की कंदराओं की छत गिरने से विशाल खाइयां, जिन्हें घाटी रंध्र या वैली सिंक्स या युवाला कहते हैं। और आगे हम लोग देखेंगे कि जब कास्ट प्रदेश में अनियमित पतले नुकीले कटक रह जाते हैं तब उन्हें लेपीज कहा जाता है। और इस प्रकार से आगे चलते हैं हम लोग, आगे देखेंगे हम लोग कंदराएं, जिसे कैप्स कहते हैं। आइए देखते हैं, शैल, बालू, पत्थर और क्वार्टजाइट पदार्थों के बीच चूना पत्थर और डोलोमाइट आ जाने से कंदराओं या केप्स का निर्माण होता है और इस प्रकार से इनका निर्माण दरारों और संधियों के जल के रिसने के कारण होता है। कंदराओं का एक मुख खुला होता है जिससे होकर जल सरिता के रूप में बहता है। ऐसी कंदराएं जिनके दोनों सिरे खुले हों सुरंग या ट्यूनेल्स कहलाते हैं। इस प्रकार से आगे चलते हैं हम लोग, आगे देखेंगे
भौम जल के निक्षेपित स्थल रूप। आइए देखते हैं, भौम जल के निक्षेपित स्थल रूप कंदराओं के भीतर ही भीतर बनते हैं और जो इस प्रकार हैं। आइए देखते हैं, स्टेलेक्टाइट, स्टेलेगमाइट और अस्थम। कंदराओं की छत से चूना जमकर जो स्तंभ बनते हैं उन्हें स्टेलेक्टाइट कहते हैं। ये ऊपर से नीचे की ओर पतले होते चले जाते हैं। चूने के जो स्तंभ कंदरा के तल से ऊपर की ओर बनते हैं उन्हें स्टेलेगमाइट कहा जाता है। ये कंदरा की छत से चूनायुक्त जल के टपकने और सूखकर कठोर होने के कारण बनते हैं और इन दोनों आकृतियों के परस्पर मिलने से कंदरा स्तंभ या के पिलर बन जाता है। और इस प्रकार से अब हम लोग आगे चलते हैं और आगे हम लोग देखेंगे हिमनद, हिमनद के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं हिमनद। हिमपात होने से यह धरातल और पर्वतीय ढालों पर परतों के रूप में जम जाता है। धीरे धीरे हिम कठोर शैल खंड के रूप में ढाल पाकर बहने लगता है जिसे हिमनद कहते हैं। हिमालय प्रदेश में अनेक हिमनद मिलते हैं। गंगा, गंगोत्री हिमनद से निकलती हैं। अलकनंदा और भागीरथी धाराओं के देवप्रयाग के निकट मिलने से गंगा प्रवाह बनता है और इस प्रकार से हिमनद की प्रवाह गति बहुत मंद होती है। यह एक दिन में कुछ सेंटीमीटर ही खिसकता है। हिमनद अपरदन का सशक्त कारक होते हैं लोग। और आगे देखेंगे, यह अपरदित शैलखंड और गोलाश्म अपने साथ लेकर भयंकर अपरदन करता है। इसके प्रबल अपरदन से ऊंचे पर्वत तथा छोटी पहाड़ियां मैदान बन जाती हैं। हिमानी का प्रवाह छीड़ पड़ते ही वह पदार्थों को निक्षेपित कर जो मैदानी क्षेत्र बनाता है उसे हिमानी धौत कहते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये हिमनद द्वारा अपरदन एवं निक्षेपण के विभिन्न रूप कहें मानचित्र है और ये उसके नीचे है हिमनदी स्थलाकृति के विभिन्न निक्षेपित भू आकृतियों का सुंदर चित्रण है। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग। इसमें सारी चीज़ें बताया गया है कौन कौन सी स्थलाकृति है, जैसे हिमानी धौत एस्कर है, ड्रमलिंग है, हिमानी धौत है, एस्कर, ड्रमलिंग और इधर हिमोड़ बनाया गया है, अंतिम हिमोड़। ठीक, आगे हम लोग देखेंगे, ऊपर वाले में भी देख लेते हैं। ऊपर वाले में हिमानी में देखिए सर्क है, काल है, श्रृंग है। ठीक, ये स्पष्ट क्लियर नहीं हो रहा है। ठीक, ये पार्श्व हिमोड़ है, मध्यस्थ हिमोड़ है। ठीक, ये अंतस्थ हिमोड़ है ये। ठीक, आगे चलते रहेंगे। हिमनद के अपरदित स्थल रूप, जिसमें पहले हम लोग देखेंगे सर्क। आइए देखते हैं सर्क। हिमानी के अपरदित कार्य फलस्वरूप गहरे, लंबे तथा चौड़े गर्त सर्क कहलाते हैं। इनकी दीवार सीधी और तीव्र ढाल वाली होती है। हिम पिघलने पर ये टार्न झील बन जाते हैं। दो या दो से अधिक मिल गए सर्क सोपानी दिखाई पड़ते हैं। देखेंगे हार्न या गिरिश्रंग और सीरेटेड कटक। सर्क के शीर्ष भाग पर अपरदन होने से जो स्थलाकृति बनती है उसे हार्न कहते हैं। इनमें एक से अधिक चोटियां भी बनती हैं। लगातार अपरदन के कारण कंघी,
या आरी के समान बने कटक अरेत या तीक्ष्ण कटक कहलाते हैं, जिनका ऊपरी भाग नुकीला तथा टेढ़ा मेढ़ा होता है। आल्पस तथा हिमालय पर्वत पर टार्न पाए जाते हैं। से आगे हम लोग देखेंगे हिमनद घाटी या गर्त। आइए देखते हैं, हिमनद चौड़े तल तथा चिकने तीव्र ढाल वाली जिस घाटी में बहता है उसकी आकृति अंग्रेजी अक्षर के यू अक्षर की तरह होती है, अतः इसे यू आकार की घाटी कहते हैं। घाटी में हिमोड़ का मलवा बिखरा होता है। मुख्य घाटी के एक या दोनों ओर जो नई घाटी बनती है उसे लटकती घाटी या हैंगिंग वैली कहते हैं। और इस प्रकार से सागर तट की गहरी हिमनद गर्तें सागर जल के भर जाने से फ्योर्ड बन जाते हैं। नदी घाटियाँ कम चौड़ी कम गहरी तथा अल्प ढाल वाली, जबकि हिमनद की घाटी अधिक गहरी चौड़ी तथा तीव्र ढाल वाली होती है। कार से आगे हम लोग देखेंगे ये जो चित्र बनाया गया है ये यू आकार की घाटी का चित्र है। इसमें नदी का जो प्रवाह वेग है वो इसमें जो अपरदन होता है ये पार्श्व अपरदन होता है, माने निचली सतह में घाटी नदियाँ नदी अपनी घाटी को चौड़ा आकार देती है, पार्श्व अपरदन करती है, ठीक, जिससे इसका आकार अंग्रेजी अक्षर के यू की तरह चलते हैं। हम लोग आगे देखेंगे हिमनद के निक्षेपित स्थल रूप। आइए देखते हैं, हिमानी अपने निक्षेप कार्य द्वारा निम्नलिखित स्थलाकृतियों का निर्माण करता है, जिसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे हिमोड़ या मोरेंस। आइए देखते हैं, हिमोड़ हिमनद के निक्षेपित कार्य से बनी वह स्थलाकृति है जो हिमनद टिल गोलास में मृतिका के जमाव से लंबी कटकों के रूप में बन जाती है। इसके तीन भाग होते हैं, जिसमें पहला है अंतस्थ हिमोड़, दूसरा है पार्श्विक हिमोड़, तीसरा है तलस्थ हिमोड़। आइए देखते हैं, अंतस्थ हिमोड़ का निर्माण हिमनद के अंतिम भाग में, ये नीचे दिया गया है अंतस्थ हिमोड़, और पार्श्विक हिमोड़ का निर्माण हिमनद की दीवार के साथ, ये पार्श्विक हिमोड़ है, ठीक, और जबकि घाटी तल पर निर्मित हिमोड़ तलस्थ हिमोड़, ये घाटी तल पर तलस्थ हिमोड़ कहलाते हैं, ठीक। और ये विभिन्न प्रकार के हिमोड़ हैं जो तीनों हम लोगों ने देखा, चार हैं, ठीक, अंतस्थ हिमोड़, मध्यस्थ हिमोड़, तलस्थ हिमोड़ और पार्श्विक हिमोड़, ठीक, विभिन्न प्रकार के हिमोड़ का ये मानचित्र है, बड़ा सुंदर मानचित्र है जो हम लोगों ने समझा। आगे चलते हैं हम लोग, एस्कर। हिमनद की घाटी के निचले भागों में गोलास में शैलखंड तथा छोटे छोटे टुकड़े वक्राकार रूप में जमा होकर जिस स्थलाकृति का निर्माण करते हैं उसे एस्कर। आगे हम लोग चलेंगे और आगे देखेंगे हिमानी धौत मैदान, जिसे आउटवास प्लेन्स कहते हैं। आइए देखते हैं, हिमानी गिरपत प्रदेश अथवा महाद्वीपीय मैदान के रेत में बजरी चीका मिट्टी का निक्षेप कर जिस मैदानी क्षेत्र का निर्माण करता है उसे हिमानी धौत मैदान कहते हैं। हम लोग देखेंगे ड्रमलिन। आइए देखते हैं, मिट्टी के वे अंडाकार क्षेत्र जो रेत तथा बजरी के कटक नुमा क्षेत्र बन जाते हैं ड्रमलिन कहलाते हैं। इनकी लंबाई 1 किलोमीटर तथा चौड़ाई 30 मीटर होती है और इनका सामने का भाग स्टास तथा पीछे का भाग पूछ कहलाता है।
ड्रमलिन से हिमनद की प्रवाह दिशा का ज्ञान हो जाता है। तरंग व धाराएं, आइए देखते हैं। तरंग व धाराएं, सागर तटीय क्षेत्रों में तरंगे और धाराएं वेव्स एंड करंट्स अपरदन का कारण होते हैं। सुनामी लहरें प्रबल परिवर्तन लाने में सक्षम होती हैं। तरंग गतिज बल के कारण और धाराएं तापमान के कारण उत्पन्न होती हैं। इनके कार्य निम्न कारकों पर निर्भर, में पहला है स्थल व सागरीय तल की बनावट, दूसरा है जलमग्न तट, और इस प्रकार से सागरीय तट का विभाजन इस प्रकार किया गया है, जिसमें है पहला ऊंचे चट्टानी तट और दूसरा है निम्न समतल व मंद ढाल के अवसादी तट, और इस प्रकार से आगे है ऊंचे चट्टानी तट, ऊंचे चट्टानी तटों के कारण इस प्रकार है, पहला है फियोर्ड तट, दूसरा है भृगु, तीसरा है पुलिन, चौथा है लघु। अब हम लोग अध्ययन करेंगे तरंगों के अपरदित स्थल रूप, जिसमें भृगु, वेदिकाएं, कंदराएं तथा स्टैक का अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं, जिन सागरीय तटों पर अपरदन अधिक होता है वहाँ घर्षित भृगु और वेदिकाएं पाई जाती हैं। सागरीय भृगु तीव्र ढाल वाले होते हैं, ये 30 मीटर से लेकर कुछ मीटर तक लंबे हो सकते हैं। समुद्री भृगु की सैलें मलबे में ढककर जो तरंगित प्लेटफार्म बनाती हैं उन्हें घर्षित वेदिकाएं कहते हैं, और इस प्रकार से भृगु का आधार दोनों की ओर खोखला हो जाता है, जिससे कंदरा बन जाती है। भृगु की चट्टानों के अलग अलग टूटे तथा पृथक अवशेष सागरीय स्टैक कहलाते हैं। और आगे हम लोग देखेंगे कि सागरीय स्टैक धीरे धीरे घर्षित होकर चौड़े पुलिन या बीच में बदल जाते हैं, और इस प्रकार से आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे तरंगों के निक्षेपित स्थल रूप, आइए देखते हैं। तरंग व धाराओं द्वारा निक्षेपित स्थल रूप इस प्रकार है, जिसमें पुलिन या कह लीजिए बीच और टिब्बे का अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं, सागरीय तटों पर प्रायः पुलिन पाए जाते हैं, ये विस्तृत भूभाग बालू बजरी तथा कंकड़ पत्थरों के निक्षेप से बनते हैं। पुलिन अस्थायी आकृतियां होती हैं, जबकि रेत पुलिन अस्थायी होते हैं। पुलिन के पिछले भागों में रेत के जमाव से जो छोटे बड़े टीले बन जाते हैं उन्हें रेत टिब्बे कहते हैं, ये समांतर रूप में एक लंबाई में बनते हैं। आगे है रोधिका, रोध तथा स्पिट, आइए देखते हैं। सागरीय तट से हटकर जो समांतर रेत तथा सीलिंग की श्रृंखला पाई जाती है उसे रोधिका कहते हैं, या खाड़ी के प्रवेश या नदियों के मुहाने पर बनती हैं। इन रोधिकाओं का जो सिरा खाड़ी से जुड़ जाता है उसे स्पिट कहते हैं। देखेंगे पौने, आइए देखते हैं पौने या विंड्स, प्रवाहित वायु राशियों या कह लीजिए प्रवाहित वायु राशि एयर मासेज को पवन कहते हैं। यह मरुस्थलों में बेरोक टोक बहकर अपरदन का कार्य करती है। तूफानी पवने अधिक विनाशक होती हैं, ये चट्टानों को घिस डालती हैं तथा मार्ग में आने वाले अवरोधों को नष्ट कर देती हैं। पवन अपने साथ बालू, सैलकड़ तथा कंकड़ जैसे उपकरणों को प्रबल अपरदन करती है। यह क्षेत्र वनस्पति विहीन होने के कारण पवनों के घर्षण, वहन तथा निक्षेपण का प्रभाव। आगे हम लोग देखेंगे पवन के अपरदनात्मक स्थल रूप, जिसमें पेडिमेंट और पदस्थली का अध्ययन करते हैं। आइए देखते हैं, पर्वतों के निचले भागों में मलबे सहित मंद ढाल वाले चट्टानी तल पेडिमेंट कहलाते हैं।
पेडिमेंट के पीछे एक भृगु या मुक्त पार्श्व होता है। पर्वतों के अवशेष खड़े भाग इनसेल बर्ग कहलाते हैं। धीरे धीरे मरुस्थलीय प्रदेश का उच्च धरातल जिस आकृति विहीन मैदान में परिवर्तित हो जाता है उसको पदस्थली या पेडी प्लेन कहा जाता है। प्लाया, आइए देखते हैं। मरुस्थलीय मैदानों के बीच का जलयुक्त भाग प्लाया कहलाता है। इसका जल सूखकर लवण बन जाता है और लवणों के निक्षेप युक्त ये क्षेत्र क्षारीय क्षेत्र कहलाते हैं। और इस प्रकार से आगे चलते हैं हम लोग, आगे देखेंगे अपवाहन गर्त तथा गुहा। आइए देखते हैं। मरुस्थल के पवनों के स्थायी रूप से प्रवाहित होने के कारण असंगठित मृदा के कट जाने से जो उथले गर्त बन जाते हैं उन्हें अपवाहन गर्त डिफ्लेशन हेलोज कहते हैं। इनसे बने उथले गर्त वात गर्त कहते हैं, जबकि गहरे और विस्तृत वात गर्त गुहा कहलाते हैं। आगे हम लोग देखेंगे छत्रक टेबल तथा पीठ का शैल। आइए देखते हैं। मरुस्थलों में जो शैलें पवन के अपघर्षण के कारण कटकर ऊपर से गोल टोपी के आकार की हो जाती है उन्हें छत्रक या मशरूम कहते हैं। इनका ऊपर का भाग टेबल की तरह होता है जो पीठिका कहलाता है। आगे हम लोग देखेंगे पवन के निक्षेपित स्थल रूप। आइए देखते हैं। पवन कटाई छटाई के साथ साथ परिवहन और निक्षेपण का कार्य भी करती हैं। पवन धूल के कणों को दूर तक उड़ाकर ले जाती हैं तथा जैसे ही उसके मार्ग में कोई बाधा आती है वहाँ उनका निक्षेप कर देती हैं, जिससे इस प्रकार के स्थल रूप बनते हैं। आइए देखते हैं बालू टिब्बे। बालू टिब्बे जिसका अध्ययन इस प्रकार है, आइए देखते हैं। बालू टिब्बे उष्ण एवं शुष्क मरुस्थलों में पवन अपने निक्षेपण कार्यों से जिन बालू के ऊंचे नीचे टीलों का निर्माण करती है उन्हें बालू टिब्बे कहते हैं। बालू टिब्बों के आकार और विस्तार में बहुत अंतर पाए जाते हैं। ये कुछ मीटर से 210 मीटर तक ऊंचे तथा 600 से 900 मीटर चौड़े होते हैं। किसी क्षेत्र में बालू की मात्रा, पवन की दिशा, गति, परिवर्तनशीलता और धरातल के स्वरूप पर इन बालू टिब्बों की आकृति, ऊंचाई, विस्तार आदि निर्भर होती है। बालू टिब्बे के दो मुख्य प्रकार हैं। ये बालू टिब्बा की निर्माण प्रक्रिया है, ठीक। ये रेत का गिरना, ये वायु चक्र बनाया गया है। आगे चलते हैं हम लोग और आगे देखेंगे बरखान। आइए देखते हैं बरखान। अर्धचंद्राकार टिब्बों को बरखान कहते हैं। यह अपरिवर्ती वायु के अनुप्रस्थ दिशा में फैला एक चापाकार स्तूप होता है जिसके दो श्रृंग प्रतिपवन दिशा में बड़े होते हैं। सामान्यतः इनका विकास प्रचुर बालू के समतल क्षेत्र में होता है। इनकी ऊंचाई कभी कभी 30 मीटर से भी अधिक होती है। बरखान का पवन पवना भी मुख्य ढाल मंद तथा प्रतिपवन ढाल खड़ा होता है और इस प्रकार से इस क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में बालू की निरंतर पूर्ति होती रहती है। एक टिब्बे की बालू उड़ाकर आगे इकट्ठा होती है और इस प्रकार से ये टिब्बे आगे बढ़ते रहते हैं। इस प्रकार इनके आगे बढ़ते रहने से मरु उद्यानों की उपजाऊ भूमि दबकर बेकार हो जाती है। अधिकांशतः बरखान श्रृंखला के रूप में मिलते हैं और कभी कभी एकल पहाड़ी के रूप में भी पाए। उदाहरण के रूप में हम लोग देख सकते हैं कि तुर्किस्तान में बरखान अधिक संख्या में पाए जाते हैं। ये चित्र है बरखान का, ठीक। ये वायु की दिशा है और ये तीव्र ढाल इधर है, ठीक। आगे हम लोग देखेंगे सीब टिब्बा।
आइए देखते हैं। सनातन पवनों की दिशा में फैले लंबे एवं सकरे बालू के स्तूप को सीप टिब्बा कहते हैं, जो कई किलोमीटर तक फैला होता है। इसका आकार तलवार के सदृश होने से इन्हें अरबी तलवार या सीप भी कहा जाता है, और इसी कारण इसका नाम सीप टिब्बा पड़ा है। इसकी रचना बरखान से ही मानी जाती है। आगे देखेंगे अनुदैर्ध्य टिब्बे। आइए देखते हैं। जब रेत की आपूर्ति कम तथा पवनों की दिशा स्थायी रहे तो अनुदैर्ध्य टिब्बे बनते हैं। ये अत्यधिक लंबाई व कम ऊंचाई के लंबाई मान कटक प्रतीत होते हैं। हम लोग देखेंगे अनुप्रस्थ टिब्बे। आइए देखते हैं। ये प्रचलित पवनों की दिशा के समकोण पर बनते हैं। इनके निर्माण में पवनों की दिशा निश्चित और रेत का स्रोत पवनों की दिशा के समकोण हो। ये अधिक लंबे व कम ऊंचाई वाले होते हैं। जब रेत की आपूर्ति अधिक होती है तो अधिकतर नियमित बालू के टिब्बे एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं और उनकी वास्तविक आकृति विकृत हो जाती है। और इस प्रकार से आज हम लोगों ने अध्याय 7 का अध्ययन किया। आज यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद।